विकास रजनी वाले भारत घर पे जाना इम्पोर्टेंट है। देखना है बैठना कहाँ पर है। देखो भाई बाकी 300 रुपए का पानी भी 300 रुपए का। अरे गुरु व्हाट अ वेदर। आज लग रहा है कि हाँ कुछ वेदर है। गाड़ी साफ कर गया भाई सब, लेकिन यह जो पेड़ नहीं देखो, एक चीज़ देखना आपको, ये पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करने से जो होता है देखो, देख रहे हो क्या मौसम है देखो भाई सब। मतलब कि मौसम तो खतरनाक होता है, लेकिन जो है ना बारिश नहीं होती है। बस ये गरजने वाले बारिश बादल हैं, बरसने वाले नहीं। चलो भाई, सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तैयार हो चुके हैं अपन, फिट एकदम। आज सैटरडे है तो अपन ने आज सैटरडे को कुछ भी डाल लेते हैं जो मन करता है। जो तो चलते हैं यानी कि, और आज अपने पास टाइम है यार, पता नहीं कैसे नींद खुल गई। आज अपने पास टाइम है और अपन थोड़ा सा जल्दी से तैयार हो चुके हैं आज, तो आज नीचे जाएंगे आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो फिलहाल तो अपन ने सब ले लिया है। चलो गुरु जी, हमारा टफी कहाँ है? हमें टफी का इंतजार है बस। हमने टफी, हम तो टफी को देखने आते हैं बस नीचे। टफी का ब्रेकफास्ट हो गया कि नहीं हो गया है? आज क्या बना है भाई? ये पराठे बने, पराठे तो हम खाते नहीं हैं। ये हमारा चीज़ ये बन रही थी, ब्राउन ब्रेड और ये मक्खन के साथ में ब्राउन ब्रेड है। सो इसे सेकना कम, बस थोड़ी मतलब 3-5 सेकंड तक सेको, ज़्यादा गर्म कर, बस गर्म कर दो ब्रेड, उसमें बस बटर लगा देना। ठीक है। अरे आपका ब्रेकफास्ट चल रहा है? हमारे टफी महाराज कहाँ हैं? वो देखो मौसम आने दे रहा बाहर। आ जाओ तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। चलो आप आ जाओ, चलो अंदर ब्रेकफास्ट करो, बैठ के चलो ब्रेकफास्ट कर लो, यहाँ बैठ के चलो आ जाओ भैया। आया बेटा ब्रेकफास्ट कर लो, वहाँ बैठ के चलो, जाओ बैठ जाओ। हाँ यहीं बैठ जाओ, बैठे हो सिट टफी, टेक योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। चलो भैया वहाँ टफी देखो ब्रेकफास्ट। अरे ऐसे देखो कैसे लेता है ब्रेकफास्ट, देखो 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 ये देखो, अब देखो बस ब्रेकफास्ट लेने का तरीका उसका। अब ऐसे नहीं करेगा जी, अब देखो थोड़ा खेलेगा उसके साथ में, देखो जी उसके बाद फिर खाएगा। चलो भाई अपना हो चुका है टाइम। अरे गुरु तुम कहाँ घूमने जा रहे हो? ये देखो अभी भी ऐसा घूम के आया, यहाँ जा रहा है घूमना क्यों? आ जल्दी लो, तुम्हारा थंबनेल बना देंगे आज। ये ट्रफी जो है ना, ट्रफी ऐसे घूमने जा रहा है ये। चलो आ जाओ अपन हो चुके हैं फुल तरीके से रेडी वर्कआउट के लिए। यार आप अपन ने जो सुबह डाला था ना वो डाल दिया, कुछ नई टी शर्ट नहीं निकाली। सही है यार ये, मतलब कि सुबह अलग शाम को अलग, ऐसे टी शर्ट पहनेंगे तो फिर पहनने के लिए बचेगी नहीं ना, तो अपन यार वही डाल दिया अपन ने। कल संडे भी वैसे भी तो आराम से धुल भी जाएगी। चलो भाई चलते हैं नीचे और लेते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील। तो चलें फिर शुरू करें आज की वर्कआउट। चलो और रक्षाबंधन के बाद एक ट्रिप प्लान हो रहा है, ट्रिप क्या प्लान हो रहा है, मुझे कुछ काम है न्यू दिल्ली में, तो दिल्ली जाने का हो रहा है। अब ये देखना है कि वो ट्रेन से होएगा या बाय रोड, ये अभी कुछ डिसाइड नहीं है, ये तो एट अ टाइम मानना पड़ेगा। तो फिलहाल तो चलते हैं अभी नीचे और लेते हैं अपना मील और निकलेंगे सीधा वर्कआउट के लिए। और कल है संडे, तो आज सैटरडे, कल संडे हो तो ऑब्वियसली आज सैटरडे होगा, तो आज हमारा क्या है पार्टी, तो आज हम पार्टी करेंगे घर पे। तो पहले सबसे पहले चलते हैं नीचे
फिर देखते हैं। अरे गुरु सही है, यहाँ उठ गया। चलो अरे ठीक है, क्या बन रहा है? अरे तैयारी हो रही है। दिखा की तैयारी कर रही हो? कस्टर्ड, चलो कस्टर्ड बनेगा। उसके लिए फल काटे जा रहे हैं। क्या क्या है जी? एप्पल, अनार और ये तैयार है हमारा पाइन एप्पल। पाइन एप्पल पूरे ट्री आ रहा है ये। और क्या? नहीं ज्यादा। हाँ अरे ज्यादा हो जाएगा, कोई खेत से है क्या? और ये देखो तैयारी चल रही है इसकी। ये क्या है? दूध के संग वैसे ये खट्टा नहीं होता। तुमसे ये बताओ कि ये क्या है दूध, मतलब कितना दूध है इसमें? लगभग दो लीटर। दो लीटर दूध का कस्टर्ड बन रहा है क्योंकि हम शाम खाएंगे। और ये देखो ये बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है दोनों की। ये म्यूजिक चल रहा है और एक पढ़ाई ये कर रहे हैं यहाँ पर। देखो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना ये, तो इसलिए थक जाते हैं इसलिए। और ये सबसे ज़्यादा पढ़ता है, सबसे ज़्यादा पढ़ता है इसलिए सबसे ज़्यादा थकता है ये। तो इसके लिए देखो कितने कितने थका हुआ आदमी है ये पढ़ने के बाद। तो आज पढ़ते पढ़ते देखो ये किताब है, पढ़ते पढ़ते सो गया, इतने थक गया था। बेटा ज़्यादा मत पढ़ा करो भैया, अब ज़्यादा मत पढ़ा करो बेटा। ठीक चलो जी। चलो जी ये हमारा मील, ये चार खजूर, बादाम और ये चने, ये हम मील खाएंगे वर्कआउट के पहले। और ये देखो ये उठ गया भाई साहब। बेटा मत पढ़ा करो इतना, थक जाते था पढ़ के ज़्यादा, है ना? थक गया था क्या पढ़ते पढ़ते? इसी से हो गया है बेटा, जा मत पढ़ा करो। ठीक है, नहीं पढ़ोगे ना ज्यादा है? नहीं पढ़ोगे ना, थक जाओगे ना पढ़ते पढ़ते? क्या ठीक है? ठीक है वो देखो पाकी, ओ पाकी अभी मत पढ़ा करो ज्यादा बेटा, थक जाते। देखो कैसे हो गए थक, पढ़ पढ़ के पढ़ते पढ़ते सो गए ना। चलो करें फिनिश करें अपना यार। चलो भाई एक्सरसाइज बस हो गई। देख रहे हो, देख रहे हो भाई, देख रहे हो बॉडी सही, देख रहे हो क्या बेहतरीन पंप आ रहा है आपकी चेस्ट की वर्कआउट। बहुत ही बेहतरीन चेस्ट वर्कआउट हुई है, कब आज तो प्राणा निकल गया। देख रहे हो हालत, देख रहे हो टी शर्ट की क्या बेहतरीन पसीने नहीं हुई। तो सबसे पहले हम चलते हैं घर पर, क्योंकि घर पर जाना इम्पोर्टेंट है और हमें पार्टी करनी है। पार्टी समझ रहे हो, तो पार्टी करेंगे सबसे पहले। और पार्टी करने के बाद अपन जाएंगे कहाँ पर? डिनर बाहर। आज जो है ना बाहर का प्रोग्राम है डिनर के लिए, तो विथ फैमिली, मम्मी पापा, बच्चे और माय वाइफ सब लोग जा रहे हैं बाहर आज। तो सब गाड़ी, आज तो गाड़ियों की भीड़ बहुत थी लेकिन अब तो लग रहा है खाली हो गया। हाँ खाली हो गया ये, जब में तो इतनी भीड़ नहीं थी तो यहाँ पर कैसे गाड़ियों के लग गया। अच्छा वो फोर्थ फ्लोर में जो मनाली कैफ़े है ना, उसके लिए भीड़ बहुत रहती है यहाँ पर पार्किंग में। यार गाड़ी तो मैं यहाँ लगाई थी मैंने, अब यहाँ से चली कहाँ? ये लगी थी वो सामने कर दी भाई साहब। अच्छा हुआ पीछे कोई गाड़ी नहीं है। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, ताबड़तोड़ तरीके से होगी, जितना लेट करेंगे गुरु उतना अपन को नुकसान होगा। चलो तो जी हम हो चुके हैं फुल तरीके से रेडी। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं डिनर करने बाहर। यार देखो वर्कआउट करके आए थे ना, वर्कआउट करने के बाद बढ़िया शावर लिया, शावर करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सब डिनर करने। और ये देखो यहाँ नमा तैयार हो चुका है। क्या हो गया, क्या हो बेटा? चलो तैयार डिनर करने के लिए। और अपन ने आज डाल लिया है ब्लैक हाफ शर्ट, ठीक लग रही बढ़िया, ऑरेंज और येलो। अरे गुरु बहुत बढ़िया, तो चलते हैं यार फिर। यार शेवे नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, संडे कल करेंगे। अभी तो फिलहाल चलते हैं नीचे, क्योंकि आज मेरी बुआ आई हुई है गुना से। आज बुआ को भी लेके और मम्मी पापा और सब पूरी फैमिली आ जा रहे हैं डिनर करने। और रेस्टोरेंट देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है, वो तो जाके मालूम पड़ेगा रेस्टोरेंट कौन सा, अभी तो डिसाइड नहीं किया है कौन सा रेस्टोरेंट। देखते हैं रेस्टोरेंट कौन सा मिलता है रास्ते में, डिसाइड कर लेंगे वहीं चलेंगे सीधे, क्योंकि टाइम हो चुका है 9:30 और 9:30 बजे देखना पड़ेगा कौन सा रेस्टोरेंट अपन को सही, मतलब देर तक जो खुलता है उसी रेस्टोरेंट में चलेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को थोड़ा टाइम भी हो जाएगा ना, बैठ के खाना खाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे, चिल मारेंगे थोड़ा सा। तो चलो चलते हैं फिर, शुरू करते हैं आज का डिनर का प्रोग्राम। चलो यार सब पूरा
बंद कर दें पहले। हाँ एसी तो बंद कर दें यार गुरु, एसी चल। बड़ी मुश्किल में पार्किंग मिली यहाँ पर अपनी गाड़ी। चलो हाँ चलो। हाँ बहुत मुश्किल है भाई, संडे को है ना, संडे को गाड़ी पार्किंग करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर मॉलिक्यूल जो रेस्टोरेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब देर तक खुलता है और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी रहता है इसमें। यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है। ये देखो चलो। हाँ चलो मॉलिक्यूल सिक्स। चलो भाई सिक्स फ्लोर पे जाना है। अरे ऊपर नहीं करना बेटा, नीचे। चलो लाइट है नहीं। सिक्स कौन कौन सा, सिक्स है कि फाइव है? सिक्स आ जाओ भाई सिक्स में। हम आ चुके हैं मॉलिक्यूल में और भाई देखना है बैठना कहाँ पर है। जगह तो बहुत मिलेगी यहाँ पर, बाहर बैठेंगे बाहर। यहाँ पर सब लोग चिल मार रहे हैं बैठ के। देखो यार जब ड्रिंक भी है यहाँ पर, अगर किसी को ड्रिंक लेना है अपनी दुकान भी है यहाँ पर, लेकिन बहुत महंगी है। ठीक है यहाँ पर क्या है कि एक पैक अगर लोगे ना, ब्लैक डॉग का मान लो एक पैक भी लिया तो ये पड़ेगा आपको 350 रुपये का। 350 रुपये में पाँच चार पैक, एक क्वार्टर ले आओगे चार पैक लग जाएंगे। इसलिए अपनी दुकान यहाँ महंगी है। ये देखो तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है अपनी दुकान की कोई, हम लोग जाते नहीं है। ये देखो ये सब देखिए, ये मेरी बुआ है आई हैं आज गुना से, अब इनको आधी साधी पार्टी मिल गई है। हैं क्यों हैं तुम्हें क्या चाहिए? हैं जी हमारा हाथ है जो भाई का काम करता है। चलो नहीं देखो हमारा क्यों, तुम कहाँ गए थे? मजा आ रहा है क्यों? तुम्हें आ रहा है? चलो तो कैसा लगा भाई खाना आपको? क्यों ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था, नमक बहुत कम थी ना, मिर्ची की सब्जी ज़्यादा खास नहीं लगा खाना है। तो चलो भाई टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है टाइम देखो, टाइम कितना हो रहा है? तो ये 12 बज चुके हैं। ये तो आ जाओ भाई, आगे भाई आ जाएगी। चलो चलो वैलेट पार्किंग है यहाँ पर, तो अपन आ जाओ वहीं पर, वो लेके आ जाएगा वहीं पर। तो ये ज़्यादा खाना जो है ना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था, इन लोगों को अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आया। ये तो भीड़ बहुत थी और यार थोड़ा सा देखो होटल में ना थोड़ा पैसे बढ़ाने के लिए ज़्यादा करते। आरो वाटर नहीं था, वो वेदिका का वाटर जो है ना, मिनरल वाटर भी, बिस्लरी भी नहीं, वेदिका का वाटर दे रहे हैं। चलो मैं इसके बारे में घर पे बताता हूँ आपको। अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, चाबा थोड़ी तरीके से जल्दी घर, क्योंकि 12 बज चुके हैं यार। ये दिल सर बिल्कुल, ये खड़ी हो सामने वो खड़ी सर। हाँ टाइमिंग क्या, 12 बजे तक है यहाँ पर? 12:30 लास्ट ऑर्डर है, 1 बजे क्लोज। चलो कैसे लगा? बढ़िया, हम तो 2-3 बार चुके हैं पर हमारी गाड़ी आ रही वाली है बस। क्या टाइम देखो 12:30 बज रहा है, लेकिन भाई लग नहीं रहा यहाँ 12:30 बज गया है। क्यों खाना मालिक को अब दोबारा आने की इच्छा करेगी तुम्हारी?
खाने के लिए अच्छा नहीं है। हैं? खाने के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? क्यों? क्या बताओ? इसमें तो अलग चेहरा क्यों आ रहा है? आपकी दोबारा इच्छा करेगी मौली को लाने की? नहीं भाई, कभी किसी को सलाह भी नहीं देगी मौली लाने। हैं? ऐसा नहीं है, अच्छा है। जो हम देखो फैमिली वाले तो हमें तो नहीं, जैसे दारू पीना है, हुक्का पीना, वो आ सकता है। हाँ। खाना खाने के लिए जगह सही है। अरे गाइड हो गया वो। चलो ठीक है, ये अपनी गाड़ी आ रही है सामने से, जगह बहुत कम है लेकिन। बस आ चुकी है गाड़ी अपनी, अपने यहाँ से निकालेंगे तरीके से। आ जा, ये देखो गार्ड बन गया ये। अरे रजलिया तो जी आ गई भाई, जब गाड़ी आ गई। चलो जी, अच्छा बताओ क्यों बता, आप लोग खाना कैसे लगा मौली को? खाना बेकार था लेकिन होटल अच्छा था। नहीं होटल अच्छा था, जो खाना कैसे लगा, मतलब कि टेस्ट कैसा था? खाना ना खाया जाए यहाँ होटल में, सिर्फ टहलने के लिए आके बैठ के पानी पी के चले जाओ, वो ठीक तो ठीक है। पानी भी पी नहीं सकते ना, पानी भी महंगा है। पानी अपनी बोतल घर से लेके आओ, 300 रुपए बोतल अपने घर से लेके आओ, दो बैग यहीं मारो, पानी की बोतल अपने यहीं लेके आओ, नमकीन लेके आओ, मूंगफली मूंगफली, उसके बाद बैठ के चले। मूंगफली तो फ्री देते हैं वो बैग के साथ में, फिर चले जाओ। तो उनसे कह दो भाई मूंगफली तुम दे दो, बैग हम ले आए। नहीं, एक जन बैग ला के दिया था पहले में, एक जन कोई लेके आया था बोतल। देखो भाई बाकी 300 रुपए का पानी पी रही, 300 रुपए का खत्म कर दिया, 300 रुपए पानी पी गई है। अरे ये देखो टफी, टफी आरो वाटर तो सही नहीं, इसमें आरो का पानी, नल का पानी है, कोई पानी पीने में कोई स्वाद भी नहीं है। और ये नल के पानी स्वाद आ रहा है, नहीं गंदा पानी स्वाद लग रहा है, असली पानी नहीं है, नल का पानी है। चलो ध्यान मत दो, टफी हमारा कितना खुश हो गया हमारा आते हुए। टफी आओ, चल उठता एकदम बिल्कुल। आजा बेटा, आजा जल्दी, आजा 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 आजा, तुझे नहीं लेगा, तुझे कहीं लेगा था, कहीं पर इसको कहीं ले जाते हैं, इसको कहीं ले। आजा आजा जल्दी जल्दी, आजा कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, चल भाई आजा। तो जी वापस आ चुके हैं घर पे। यार एक्सपीरियंस है ना जो इन लोगों का, मज़ा नहीं आया इन लोगों को। यार मैं तो दूसरी बार गया हूँ, ये लोग फर्स्ट टाइम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। वाकई में यार इतने हाई रेट लगाए, इतने हाई रेट लगा रखे हैं इन लोगों ने, मतलब ये समझ लो कि लूट मचा रखी है टोटल मिला के। देखो पानी बिस्लरी का आपको मिलेगा नहीं, वेदिका का वाटर है जो 150 रुपये की बोतल है, आपके दो बोतल मंगाओ 300 रुपये की बोतल हो गई है, उस पर टैक्स, ठीक है। मतलब समझ लो कि 1000 रुपये का खाना खाओगे आप तो 3000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, मतलब ये समझ लो इतनी लूट मचा रखी है। तो कुल मिला के जो है इन सब का एक्सपीरियंस जीरो रहा, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं यार, एक्सपीरियंस एक बार करते हैं, फिर दोबारा थोड़ी करेंगे ये लोग, दोबारा नहीं आएंगे ये लोग। क्यों दोबारा जाओगे? नहीं जाएंगे। तो करते हैं वीडियो वहीं पर ख़त्म, करते हैं वीडियो वहीं पर ख़त्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का दिन बहुत अच्छा गया, और आपका दिन भी अच्छा जाए, आने वाले हर दिन अच्छे जाएँ आपके। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। टिल देन पीस, गुड नाइट एवरीवन।